उसके बाद जो उन्होंने चौथा जो उसका अंग बताया है वो बताया है दुर्ग। दुर्ग से तात्पर्य ये है कि राजा का किला, कि जो राजा का किला है उसकी जो उन्होंने तुलना की है वो बाहों और भुजा से की है, या उसने राज्य की, कौटिल्य ने राज्य की कल्पना की है वो एक मनुष्य के रूप में करी है उन्होंने, और मनुष्य के रूप में करके उन्होंने मनुष्य के जो बाहें और भुजाएं होती हैं वो का जो उन्होंने दिया है, उनको प्रतीक दिया है, वो दुर्ग को उनका प्रतीक दिया है। उन्होंने चार तरीके के दुर्ग की कल्पना की है। पहला है औदिक दुर्ग, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, यानी दुर्ग के चारों तरफ पानी घिरा हुआ होगा तो शत्रु उसके ऊपर आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएगा। जब भी वो आक्रमण करना चाहेगा तभी वो पानी के अंदर पहले उसे पानी को पार करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में चूंकि दुर्ग ऊपर होता है और वो राजा जो है पानी जब पार करेगी शत्रु उसके, तो उसको वहीं गिरा दिया जाएगा। यदि हम राजस्थान में बात करते हैं तो भरतपुर का जो किला है जिसे लोहागढ़ के नाम से जानते हैं, उसकी जो विशेषता है वो यही है कि वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो पानी कभी भी उसको जो अंग्रेज थे जीत नहीं पाए थे। पानी घिरे होने के कारण जब भी वो पानी में उतर के उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए जाते थे तो उसी टाइम उस वही उनको मार के गिरा दिया जाता था। दूसरे जो उन्होंने दुर्ग की कल्पना की है वो है पार्वत्य युग दुर्ग, यानी पर्वतों से घिरा हुआ दुर्ग, चारों तरफ के पर्वत उसके ऊपर होने चाहिए और वो सुरक्षित रहता है। जब भी, या कहिए कि पर्वत के ऊपर दुर्ग होता है, जब भी सेना आती है या शत्रु आता है वो नीचे से आता है और राजा और उसके रक्षक जो हैं वो ऊपर हैं, पर्वत के ऊपर दुर्ग बना हुआ है, तो वो वहीं से उस सेना का मुकाबला कर सकते, अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, उनको ढेर कर सकते हैं। थर्ड जो उन्होंने बताया है वो है धन वन दुर्ग। इसका अर्थात ये कि चारों ओर ऊसर भूमि होनी चाहिए। ऊसर भूमि यानी कि पेड़ पौधे घर वगैरह बने हुए होंगे तो वो देख नहीं पाएगा राजा कि किस तरीके से होंगे, तो राजा को जो शत्रु हैं वो दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए जो राजा है उसको इस तरीके के दुर्ग का निर्माण करना चाहिए जो दूर दूर तक जहाँ पे कुछ भी नामो निशान नहीं हो, जब भी शत्रु सेना उसकी तरफ आए तभी वो उसका वही नाश कर सके, उसको देख सके। फोर्थ जो उन्होंने बताया है वो है वन दुर्ग। वन दुर्ग उसके चारों ओर वन या जंगल हो और उस जंगल में उस दुर्ग का उनको पता ही ना लग सके, उसके शत्रुओं को कि कहाँ पे है वन में, जंगल में, या वो जंगल और वन तक आना चाहें तो वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर हों और वो जंगली जानवर ही उनका मुकाबला कर लें, या उनको आसानी से पता चल सके कि उनका जो भी जो शत्रु हैं वो उनके ऊपर आ रहे हैं। इस तरीके से राजा स्वयं अपनी रक्षा करे और अपनी जनता की भी रक्षा कर पाएगा। जब वो स्वयं अपनी रक्षा कर पाएगा तभी वो जनता की रक्षा कर पाएगा। पांचवा जो उन्होंने बताया है वो बताया है कोश। कोश की तुलना कौटिल्य ने मुख से की है कि कोश राज्य का मुख्य अंग होता है, क्योंकि उसके अनुसार कोश से ही कोई राज्य वृद्धि करता है तथा शक्तिशाली बने रहने के लिए कोष के द्वारा ही अपनी सेना का भरण पोषण करता है। उन्होंने कोष में वृद्धि का मार्ग करारोपण बताया है, जिसमें प्रजा को अनाज का छठा, व्यापार का दसवां भाग और पशुधन के लाभ का पचासवां भाग राजा को कर के रूप में अदा करना चाहिए। निश्चित ही जब कोई भी कार्य जो होता है वो कोष के द्वारा होता है, धन के द्वारा ही होता है, और राजा स्वयं अपने बल पर इतना धन नहीं कमा सकता है। यदि राजा को अपने जनता का सुरक्षा रखनी है, अपने जनता का कल्याण करना है तो धन की आवश्यकता होती है और धन उसे एकत्रित करना पड़ेगा, और वो धन उसे प्रजा के से ही एकत्रित करना पड़ेगा। तो राजा को एक इस तरीके के कर लगाने चाहिए प्रजा के ऊपर जिससे प्रजा को कोई परेशानी ना हो और प्रजा उतना आराम से वो अपना कर दे पाए कि प्रजा को जो अन्न वो पैदा करती है प्रजा उसका केवल छठा भाग, व्यापार से जो प्राप्त होता है उसका केवल 10% या दसवां भाग, और पशुधन के लाभ जो होता है उसका 50वां भाग राजा को कर के रूप में देना चाहिए, ताकि उस पैसे से राजा उन्हीं के कल्याण के लिए, उन्हीं की सुरक्षा के लिए कार्य कर सके। उसके बाद उन्होंने दंड और सेना की व्यवस्था की है कि दंड और सेना किसी भी
राज्य के लिए बहुत आवश्यकता होती है। कौटिल्य ने सेना की जो तुलना की है वो मस्तिष्क की है, अर्थात एक मनुष्य के मस्तिष्क को जिस तरीके से कार्य करना चाहिए, अच्छा और बुरे का उसे ज्ञान होना चाहिए, उसी तरीके से जो सेना है किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, उस सेना को उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और समझदार होना चाहिए। उन्होंने सेना के चार प्रकार बताए हैं, हस्ती यानी हाथियों से युक्त सेना, अश्व सेना यानी घोड़ों से युक्त सेना, रथ सेना अर्थात रथ के ऊपर जो राजा, जो स्वयं राजा होता है वो प्राय सेना के अंदर जो चलता है वो रथ के ऊपर चलता है, और उसके बाद है पैदल सेना कि पैदल भी सेना होने चाहिए, और इस तरीके की सेना का विभाजन करना चाहिए उनसे कि हस्ती हाथी घोड़े रथ और पैदल सभी तरह की सेना का निर्माण करना चाहिए और परिस्थितियों के अनुसार उसे अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। सेना को साहसी और बलशाली होना चाहिए, सैनिकों के हृदय में देश प्रेम होना चाहिए, तभी वो अपने राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे, अपने आप को कुर्बान कर पाएंगे देश के लिए। और यदि कोई सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो उसके परिवार को उसके ऊपर अभिमान होना चाहिए, और परिवार जो है उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी भी राजा के ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद जो सातवां है वो है मित्र यानी कौटिल्य ने जो मित्र की तुलना की है वो कान के रूप में की है कि जो मित्रगण होते हैं राजा के, वो उसको आसपास की सारी जानकारी देते रहे कि कौन कौन उसके विरुद्ध कार्य कर रहा है, कौन उसके देश पर आक्रमण करना चाहता है, और जब भी राजा को किसी भी तरीके की सहायता हो, कोई उसके ऊपर परेशानी हो, विपत्ति आए, तो मित्रों को उसकी सहायता, ऐसे मित्र होने चाहिए कि जो उस टाइम आके उसकी सहायता कर सकें राजा के। तो इस तरीके से कौटिल्य ने राज्य के सात अंग बताए हैं, और निश्चित ही ये सात अंग यदि होंगे तभी कोई राज्य अपनी प्रजा के लिए लोक कल्याणकारी कार्य कर पाएगा, प्रजा की रक्षा कर पाएगा, प्रजा का भरण पोषण और लालन पालन कर पाएगा, और इन सातों अंगों को जब समुचित सामंजस्य होगा तभी एक अच्छे राज्य का निर्माण होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।